केजरीवाल निकले थे पीएम मोदी का शिकार करने, कांग्रेस के साथ बैठकर जाल बुना करते थे, पीसी चाकू और माकन टाइप के लोग भी सेट हो गए, खूब भागदौड़ हुई और 24 अकबर रोड के चक्कर काटे, लेकिन बात आखिर में नहीं बनी। ऐन वक्त पर राहुल गांधी ने सारा खेल खराब कर दिया और रही सही कसर मतदान के दिन मुस्लिम वोटर्स ने साथ छोड़कर पूरी कर दी। फिर बचा ही क्या, केजरीवाल की दिल्ली लुट गई। असल में केजरीवाल ये भूल गए कि 4.5 साल से जो वो कर रहे हैं उसे लोग पसंद नहीं कर रहे। किसी वक्त केजरीवाल हर बात पर रेफरेंडम करवाया करते थे, लेकिन अपने कामकाज पर नहीं करवाया। दिल्ली गई तो पंजाब और हरियाणा में आंखें गड़ाए रहे, लेकिन यहाँ भी कुछ वैसी ही कहानी हुई जैसी दिल्ली में हुई। अपने हाथों से अपनी सियासी पूंजी लुटाना कोई केजरीवाल से सीखे। गठबंधन करना है, कांग्रेस से करना है, मोदी को हटाना है, ये गाना इतना गाया कि आवाज हरियाणा और पंजाब तक पहुंची। हरियाणा में तो कुछ पहले से भी नहीं था और न इस बार रहेगा, लेकिन पंजाब में 4 थे वो सारे खर्च हो गए। अब दिल्ली से पंजाब तक झगड़े ही झगड़े हैं, मतलब ये कि जहां से चले थे वहीं वापस जाने का रास्ता खुल गया है। अब ईवीएम और एलजी बचे हैं, एलजी से लड़ते और ईवीएम को कोसते कोसते विधानसभा का चुनाव करीब आ जाएगा। उम्मीद है कि उससे पहले एक बार फिर केजरीवाल राहुल गांधी के दरवाजे पर जाकर गठबंधन की आवाज लगाएंगे, लेकिन शीला दीक्षित ऐसा होने देंगी तब ना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।